पेंटागन का बड़ा दावा सामने आ गया। अमरीकी नायब वजीर दिफा का कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान तक रसाई देने के लिए अपनी फजाई और जमीनी हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फौजी मौजूदगी को आसान बनाने के लिए अमरीका को हमेशा ओवरफ्लाइट और जमीनी रसाई की इजाजत दी है। खबर पर रद्दअमल में मुस्लिम नवाज के रहनुमा हसन इकबाल ने सवाल उठाया, कहा कि क्या पाकिस्तान हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। वो उसके तहत इस्तेमाल करेंगे। सर हम किधर बढ़ रहे हैं, किस सिमत में बढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए या हमें डिफ़ाइन करना चाहिए कि पाकिस्तान का दुनिया में स्टेटस जो है वो सॉवरन स्टेट का है या सेमी सॉवरन स्टेट का है। हमें तो ये बताया गया कि सॉवरन स्टेट जी किताब में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारे मौशी हालात हैं, जो हमारे इंटरनल अनस्टेबिलिटी है और जितनी हमें लोगों की पावरफुल कंट्रीज़ की मदद चाहिए, तो वो अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली अब हम सेमी सॉवरन स्टेट पे चले गए हैं। बनाना रिपब्लिक का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उससे लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन हम तकरीबन उसी स्टेज पे जा चुके हैं। हमारा कोई फ़ैसला जो है अड्डे देने का ना देने का, फ़िज़ाई हदूद को उनको हैंडओवर करने का ना हैंडओवर करने का, हम इस पोजीशन में अब रहे ही नहीं हैं कि हम इनकार कर सकें। आवाम को दिल लुभाने के लिए मुख्तलिफ सियासतदान स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो बरसरेआम डिस्कस नहीं की जाती। हेनरी किसिंजर ने आज से तकरीबन 2.5 साल पहले, बहुत जीरक आदमी था और मतलब एक ज्यू और उसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर, उसने बताया था, कहा था कि ड्रम्स जो हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर के वो बजने शुरू हो गए हैं और वॉर थिएटर जो है वो मिडल ईस्ट और हमारा इलाका होगा। रजी साहब कमाल बात ये है कि जिन लोगों को हम जाहिल और वो कहते थे कि जो जिन्हें हमने बनाया यूएई और बाकी ममालिक सऊदी अरेबिया, उन्होंने इंतहाई जहानत से अपने मुल्कों को वॉर थिएटर नहीं बनने दिया। वो उन्होंने जो मर्जी आप कह लें उनके हुक्मरानों के खिलाफ, उन्होंने अपने आप को जंग से अलहदा कर लिया। अब ये जंग जो है ये पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि हम घसीट के वो जंग अपने मुल्क में लेके आए हैं? नहीं नहीं, हम शौक से, हमारे अंदर जज्बा एक, मतलब हमारे अंदर एक एलिमेंट है लोगों का जो आज तक ये कहता है कि हमें जंग करनी चाहिए अपने फला मुसलमान भाई को आज़ाद करवाने के लिए। जैसे अभी फ़लस्तीन की बात हो रही थी, उस पर बड़े स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स थे मुख्तलिफ लोगों के, मैं उस इमोशनल डिबेट में नहीं जाना चाहता, मैं रियलिस्टिक अर्ज करना चाहता हूँ। हमें शौक भी है। नहीं, कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि ये जो भी वहाँ पे सीज़ फायर हुआ है या जो कुछ लोग कह रहे हैं फ़लस्तीनी जीत गए हैं, तो ये हमारी वजह से जीते। मैं जी इस पर क्या कमेंट करूंगा, नाराज़ हो जाएंगे बहुत ज़्यादा लोग। बुनियादी तौर पे अमेरिकन्स का इनिशिएटिव है जो ब्रोकर किया है इजिप्ट ने, और उन्होंने इनकी दरमियान में सुलह करवाई है। लेकिन रजी साहब इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं अर्ज़ एक आपसे करना चाहता हूँ कि मैंने बड़ा क्लोजली रीड किया है हमास को और इसकी इसराइली पार को, कोई कंपैरिजन नहीं, मतलब कोई। लेकिन सर मेरा एक सवाल है जिसका मुझे जवाब अभी तक कोई नहीं दे सका। इसराइल ने सर कमाल बम्बारमेंट की, जुल्म किया, हजार बेचारे बच्चे शहीद किए, सैकड़ों बंदे मार दिए, हमास के किसी बंदे को सर एक छर्रा नहीं लगा सर, क्यों? मेरा तो सवाल यह है कि हमास बिल्कुल सेफ है, सिटीजन मारे गए हैं, इसका कोई जवाब जो है नहीं देता। शायद दिल में समझते हैं कि क्या वजह है, लेकिन उस पर बात नहीं करना चाहते। कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हमें सर सबसे पहले जो है हमें इस कंफ्यूजन से निकलना है कि क्या हम दुनिया के अंदर वाकई इतनी इस्तेतात रखते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिटरली, कि हम पूरी दुनिया में अपना एजेंडा नाफिज कर सकें और अपने हिसाब से दुनिया को मोल्ड कर सकें।
उसने एक जगह कहा था कि अमेरिका की जो दुश्मनी है वो बहुत ख़तरनाक है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती उससे भी ख़तरनाक है। हमारी फिजाई हदूद को इस्तेमाल करना उनके लिए अगर सूदमंद है तो उन्हें हमारी क्या इजाज़त की अब ज़रूरत रह गई है। और जहाँ तक 9/11 के बाद की ताल्लुक है, मैं बिल्कुल आपको ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, हमने उन्हें ना सिर्फ एयर स्पेस दी थी, हमने उनको अपने हवाई अड्डे दिए थे, ग्राउंड एक्सेस भी दी थी। जी, हमारे पास क्वेटा का जो सिविलियन एयरपोर्ट है और स्मुगली एयरबेस जो है वो हमारी इस्तेमाल हुई है, और उसके साथ साथ शमसी एयरबेस भी बलूचिस्तान की जो है वो इस्तेमाल हुई है। अब आप जब बात करते हैं अफगानिस्तान की तरफ से, और दिल कटता है जब एक बच्चा शहीद होता है हमारा 18-20 साल का और उसकी तस्वीर आती है, यकीन करें कि बंदा जो है वो एकदम नंब हो जाता है। लेकिन सर सोचिए तो सही कि ये वॉर ऑन टेरर ख़त्म क्यों नहीं हो रही? 20 साल तो हो चुके हैं सर, 15 साल हो चुके हैं, कोई उसकी बताएगा? आखिर सर हमें संजीदगी से बैठ के हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे सिस्टम्स के जो हेड हैं उनके हेड्स को बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि हाउ टू इनोकुलेट पीस इन पाकिस्तान। ये पॉसिबली अब नहीं रहा कि पाकिस्तान दुनिया का कोई ताकतवर मुल्क बन सकता है, क्योंकि कोई इनहेरेंट हमारे पास अब ऐसी पॉजिटिव चीज़ नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि 10 साल के बाद पाकिस्तान जो है वो कमाल तोप चीज़ बन जाएगा। लेकिन सर मुझे वो, माजरत के साथ रजी साहब, मुझे वो लीडरशिप भी अब नज़र नहीं आती किसी भी सूरत में। मैं बिल्कुल एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। हमारे साथ अफगानिस्तान के जो ताल्लुक हैं, क्या अफगानिस्तान के अंदर नफरत को गेज किया है कभी पाकिस्तानी अवाम ने कि वहां हमारे खिलाफ कितनी नफरत है? अब मजीद बढ़ेगी। और क्यों है ये भी आप मुझे बताइए। इस सवाल का जवाब आखिर होना चाहिए ना जी। हमारे कई दोस्त बहुत दिल खोल के बात करते हैं, सीना तान के बात करते हैं कि बस अमेरिकन गए उसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट है। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। अमेरिकन्स जो इंतज़ाम करके जा रहे हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स का, जिस तरह रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, वो अमेरिका, वो अफगानिस्तान को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले करके जाएंगे, और हमें वो थ्रू अफगानिस्तान, ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि पता नहीं ये वार और टेरर क्यों नहीं ख़त्म हो रही, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा, और पोलियो इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ आपने जैसा कि इस वीडियो में सुना, और ये वीडियो मैं वैसे भी मतलब इस टॉपिक पर मैं वीडियो 3-4 बना चुका हूँ, अमेरिका की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में उन्होंने बोल दिया कि हमें पाकिस्तान कंटिन्यू अपनी जगह और एयर स्पेस देगा टेररिज्म तालिबान के खिलाफ यूज़ करने के लिए। दैट मीन्स कि पाकिस्तान अमेरिका को लंबे समय से ये चीज़ करने के लिए दे रहा था। तो गाइज इस बात को लेकर पाकिस्तान वैसे ही घिर चुका है, एक तो तालिबान और दूसरा चीन। आपको भी पता है चीन अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चली है, दोनों सुपर पावर एक दूसरे को डिफ़ीट करना चाहते हैं, और चीन पाकिस्तान का एक नया गुलाम है और पाकिस्तान अमेरिका का पुराना गुलाम है। तो पाकिस्तान तो बड़ा सैंडविच बन गया इनके बीच में। तो अब सिचुएशन ये बनी है कि अभी तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि हमारे अंदरूनी मामले में अगर कोई देश दखल देगा तो उसकी हम बैंड बजा देंगे। और अफ़गान के लोगों ने कतर और इंग्लैंड में तालिबान की तरह पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उस पर पत्थर और पानी की बोतलें फेंक दी, क्योंकि वहाँ पर आप समझ सकते हो यही चीज़ें हैं, बम तो फेंक नहीं सकते थे वो। तो वैसे भी आपको पता होगा दोस्तों, अफ़गानिस्तान की बर्बादी के पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा योगदान है। जब तालिबान इन्होंने क्रिएट किया जिहाद फैलाने के लिए रशिया के ख़िलाफ़, तब से अफ़गानिस्तान जो बर्बाद हुआ है तो अभी तक उठ नहीं पाया है। और अफ़गानिस्तान के लोग ये समझते भी हैं, और अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान से इसी वजह से बहुत ज़्यादा सख्त नफरत करते हैं। तो गाइस सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के ये मीडिया आउटलेट्स, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, कुछ हद तक सच बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें गुलामी करनी पड़ेगी क्योंकि हमने एग्रीमेंट किया है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये सूद चुकाना ही पड़ेगा, और कितने लंबे समय तक चुकाना ये पता भी नहीं है। क्या हम एक आज़ाद कंट्री हैं या हम हमेशा गुलाम रहेंगे?
इस तरीके की डिस्कशन हो रही है। यहाँ पर इन्होंने तालिबान और अफगान को भी लेकर काफ़ी डिस्कशन किया। इन्होंने बोला कि अफगान हमसे कितनी नफरत करते हैं, इन्होंने वो चीज़ें भी बताई। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मतलब इस तरीके के मीडिया आउटलेट्स कुछ कुछ हद तक सच बात करते हैं, लेकिन अगर आप ओरिया मकबूल जैसे मीडिया हाउसेस को फॉलो करेंगे तो वो तो ऐसा बोलते हैं अफगान आ गया तो अफगान तो पाकिस्तान का एक सूबा है, हम मुस्लिम मुस्लिम अफगान जाएंगे जिहाद करने कश्मीर, इस तरीके की बातें होती हैं। अब आप समझ सकते हो दोस्तों, अगर अमेरिका चाहे इस उसे ज़मीन और एयर स्पेस चाहिए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। आपको भी पता है सबसे बड़ा गुंडा अमेरिका ही है, और पाकिस्तान ने डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ डील की होगी, डॉलर्स लिए होंगे, FATF में अपना मामला निपटाने की बात करी होगी, और जो सेंसस वगैरह लगे हैं पाकिस्तान पे उसको हटाने की बात करी होगी, कर्जे वगैरह जो भी हैं उनको डेफिनेटली उनमें कुछ कंपनसेशन या कुछ ना कुछ कमी हुई होगी, तो इस चीज़ का भी फ़ायदा पाकिस्तान को मिलने वाला है। तो दोस्तों पाकिस्तान में अगर अमेरिका आता है या उसे स्पेस जो मिली है वो कंटिन्यू रहती है तो उससे तो डेफिनेटली चीन नाराज होगा, और चीन की नाराज़गी को कैसे हैंडल करेगा पाकिस्तान वो देखना होगा। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।